हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक छोड़ो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। आज की कंडीशन की बात करें तो करीब करीब 5% के आसपास इसमें जंप देखने को मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ की बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर जो की हुई है। क्या अनाउंसमेंट है, पूरा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो आज के हाई की बात करें, 69.40 रुपये इसका आज का हाई है, और अब यहां पर जो कि 5% पे ओपन हुआ था, जब मार्केट जब ओपन हुई थी उस टाइम पर जेट फ्रेट की बात करें तो 5% पे जो कि ऊपर ओपन हुआ था। एंड आज के लो की बात करें तो काफ़ी नीचे भी आया है, 65.45 रुपये तक ये नीचे आया था। उसके बाद अगर बात करें इसके 52वीं हाई की तो 94.30 रुपये इसका 52वीं हाई है। लो की बात करें 44.40 रुपये इसका 52वीं लो है। तो करीब करीब यहाँ पर बीच में अभी फ्लक्चुएशन इसका मिल रहा है, ना तो 52वीं हाई है ना फिर 52वीं लो है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो इसका 52वीं हाई है वहीं इसका मैक्सिमम है, कंडीशन काफ़ी बेहतरीन है। एंड अगर बात करें इसके एनालिसिस के, जो आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है करीब करीब 8000 क्वांटिटी के आसपास ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो गाइस यहां पर क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड हुई है इवन आफ्टर इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद। तो क्या एग्जैक्टली यहां पर क्वांटिटी कम है वो भी देखेंगे। एंड अगर बात करें BSE की तो BSE पर सिर्फ 2000 क्वांटिटी के आसपास, 1900 क्वांटिटी के आसपास ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ है अभी तक। एंड अगर बात करें इसके शॉर्ट एनालिसिस की तो 4 स्ट्रेंथ है, 3 वीकनेस है, 1 अपॉर्चुनिटीज है, 1 थ्रेट नजर आ रहा है। एंड अगर बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो 10 रुपये इसकी मार्केट में फेस वैल्यू है। मार्केट कैप की बात करें 78 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो करीब करीब 9000 क्वांटिटी के आसपास ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ है लास्ट 20 दिन में। एंड अगर बात करें इसके सेंटिमेंट की तो गाइज ऑफकोर्स इस लेवल पर आप बाइंग कर सकते हैं। एंड अगर बात करें इसके फाइनेंशियल की तो फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा खासा उभरता हुआ नजर आ रहा है, 193 करोड़ से दो, जो कि 2017 की बात करें, एंड अब भी जो करीब करीब डबल हो चुका है, 346 करोड़ का 2021 में रेवेन्यू शो किया है इसने अभी तक। एंड क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका दिसंबर का इवन रिजल्ट है, रेवेन्यू 129 करोड़ का रेवेन्यू शो किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 0 अभी तक, नो प्रॉफिट नो लॉस है। EPS की बात करें एक अच्छा खासा EPS भी है। एंड अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल है, एंड यहाँ पर होल्डिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हल्की सी होल्डिंग यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला था, उसके बाद प्लेस भी आया था एक अच्छा खासा 98.67% के साथ। बट अभी एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि प्लेस तो कम कर ही रहा है, साथ में अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज कर रहा है। एंड 69.91% के साथ अभी प्रोमोटर की होल्डिंग बनी हुई है। एंड प्लेस की बात करें तो 90.39% के आसपास जो कि अभी प्लेस भी मौजूद है। FIA की बात करें तो होल्डिंग 0 है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें 0। पब्लिक की बात करें तो होल्डिंग को डिक्रीज किया गया है दिसंबर क्वार्टर में, काफ़ी बड़ा डिक्रीज यहां पर देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करें यहां पर अदर्स की तो एंट्री बिल्कुल 0 है। एंड अगर बात करें इसके अलावा इसके इवन इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें, उससे पहले एक न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक न्यूज़ ये आई थी कि 7 मार्च को ये न्यूज़ आई थी, इसमें जो कि क्लियरली लिखा गया है जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स ने एक लेटर दिया है BSE और NSE को, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि प्रेस रिलीज जेट फ्रेट अपॉइंट्स लॉजिस्टिक्स वेटर्न मिस्टर जोय जोन डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टर फॉर देयर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स बिजनेस के लिए। यहाँ पर एज अ डायरेक्टर डेजिग्नेट हुए हैं मिस्टर यहाँ पर जोय जोन। एंड ऑफकोर्स गाइज, काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर जो कि निकल के आई है जेट फ्रेट की बात करें। एंड इसके अलावा जो कि इवन काफ़ी इवन जो कि सीनियर पर्सन है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक्सपीरियंस है अगर बात करें जोय जोन की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर की वो भी देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,16,00,000 क्वांटिटी के आसपास ही वॉल्यूम मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जिसमें से 81,00,000 क्वांटिटी के आसपास है वो प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप के पास है। एंड करीब करीब यहाँ पर जो कि ऑफकोर्स यहाँ पर टच भी नहीं किया है, 35,00,000 क्वांटिटी के आसपास वॉल्यूम है वो पब्लिक के पास है।
तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। इसके पीछे के हिस्ट्री की बात करें तो वो भी देख लेते हैं, उसके बाद उसकी बड़ी न्यूज़ पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बड़ी न्यूज़ पर ही चलते हैं। तो यहाँ पर अगर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ ये आई है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिला है। 15 मार्च को ये BSE और NSE को ये लेटर दिया है जेट फ्रेट ने, एंड इसमें क्लियरली लिखा गया है कि अपनी जो फेस वैल्यू है उसको स्प्लिट कर रहा है, 10 रुपये फेस वैल्यू को 5 रुपये किया जा रहा है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट अभी तक आई नहीं है, क्लियरली ये लेटर दिया गया है कि वी आर एग्री टू स्प्लिट आवर फेस वैल्यू जो कि 10 रुपये है, 10 रुपये से 5 रुपये किया जाएगा। एंड इसके अलावा अगर बात करें इसके जो कि एट प्रेजेंट कंडीशन की, तो काफ़ी बेहतरीन कंडीशन है। अगर जेट फ्रेट की बात करें, इसका जो अबाउट जेट फ्रेट की बात करें, तो यहाँ पर 1986 में एस्टेब्लिश हुई है कंपनी। एंड अगर बात करें इसके अलावा जो कि इसका क्लाइंट बेस काफ़ी ज़्यादा है, एंड 200 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड जो कि इसका जो कि इवन 200 कंट्रीज के आसपास इवन यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इवन ऑफिसेज और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पकड़ है। एंड अगर बात करें इसके जो मैनेज कर रहा है अभी, 150 टन एयर कार्गो डेली मैनेज कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी कंपनी इवन नज़र आ रही है, इवन काफ़ी अच्छा खासा कस्टमर बेस भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके पीछे की हिस्ट्री की, तो वो भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पीछे किया क्या है इसने। तो अगर देखें यहाँ पर बोर्ड मीटिंग, तो गाइज ऑफकोर्स स्टॉक स्प्लिट जो कि 14 फरवरी को इवन यहाँ पर एक क्लियर कट इवन एक हिंट दिया गया था कि हम स्टॉक को स्प्लिट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें डिविडेंड हिस्ट्री की, तो 10 पैसे इसने डिविडेंड भी दिया था। इवन नवंबर की बात करें, 10 पैसे इसने डिविडेंड दिया था, एक्सटेट जो कि 17 नवंबर थी, ऑलरेडी जा चुकी है, जो भी इसके शेयर होल्डर थे ऑलरेडी उनको डिविडेंड जा चुका है। बोनस की बात करें तो यहाँ पर 2018 में कंपनी ने बोनस भी दिया है। तो गाइज ऑफकोर्स बोनस भी अच्छा खासा देती है कंपनी, एंड 1:1 से ये बोनस भी मिला है। एंड स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो फर्स्ट टाइम स्टॉक स्प्लिट किया जा रहा है, 10 रुपये फेस वैल्यू को 5 रुपये किया जाएगा। राइट इश्यू की बात करें तो राइट इश्यू कोई भी राइट इश्यू अभी तक नहीं निकाला है। एजीएम की बात करें तो यहाँ पर एजीएम अभी तक नहीं हुई है। तो गाइज कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पर जो कि जेट फ्रेट की, तो एक बेहतरीन यहाँ पर सिचुएशन नजर आ रही है। बल्क डील की बात करें तो यहाँ पर 8 फरवरी को मित्तल रौनक ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी उठाई है, करीब करीब अगर क्वांटिटी की बात करें तो 65 लाख क्वांटिटी के आसपास जो कि वॉल्यूम परचेज किया है। एंड इसके अलावा जो कि एक और क्वांटिटी 68,500 क्वांटिटी के आसपास जो कि इसी रेंज के आसपास मित्तल रौनक ने एक बड़ी बल्क क्वांटिटी उठाई है जो कि 7 फरवरी को, इट मीन्स कि फरवरी में काफ़ी बड़ी बाइंग हुई है, यहाँ पर बल्क बाइंग की गई है। एंड अगर बात करें इवन जो कि इनसाइडर की, तो गाइज यहाँ पर जो कि डंपिंग भी हुई है 2 फरवरी को, यहाँ पर प्लेज रिलीज किया है ये जो कि एजनेस एफ ठेकनाथ प्रोमोटर जो कि प्रोमोटर ग्रुप है, इसने प्लेज को रिलीज किया है। तो गाइज ऑफकोर्स यहाँ पर जो कि हो सकता है अभी जो इवन जो इसकी होल्डिंग है उसमें प्लेज को काफ़ी कम किया गया हो, जो प्लेज अभी बचा हुआ है प्रोमोटर का वो काफ़ी इवन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी फेब में जो कि प्लेज रिलीज किया, इट मीन्स कि यहाँ पर हो सकता है प्लेज कम हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें, एक और भी डील हुई है, एक्विजिशन की गई है 6 जनवरी को, रिचर्ड फ्रांसिस ने जो कि करीब करीब यहाँ पर 13,500 क्वांटिटी के आसपास जो कि 48 रुपये के आसपास यहाँ पर एक्विजिशन भी की है। तो गाइस कुल मिला के सिचुएशन काफ़ी बेहतरीन है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इस लेवल पर आपको बाइंग कर लेनी चाहिए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। जो इसका ओवरऑल हाई है, भावनिक हाई है, उसको क्रॉस कर सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।